समुद्र पर किनारे पर आने वाले जहाज को दिशा दिखाने के लिए किनारे पर एक ऊंचे टावर पर फ्लैश लाइट होती है, जिसे हम लाइट हाउस कहते हैं। मॉडर्न लाइट हाउस में पावरफुल इलेक्ट्रिक फ्लड लाइट होती है जो लगातार घूमती रहती है और जहाजों को सिग्नल देती है। क्लॉक टावर जैसे लाइट हाउस भी ज्यादा पॉपुलर बने हैं। पुराने जमाने की लाइट हाउस देखने जैसी होती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही स्कॉटलैंड देश की लाइट हाउस के बारे में बताते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। बेल रॉक लाइट हाउस विश्व का सबसे पुराना लाइट हाउस है जो आज भी समुद्र में खड़ा है। ये ईस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में बनाया गया है। लाइट हाउस स्कॉटलैंड से ईस्ट कोस्ट तट से 11 मील दूर है, जो एंगुस का काउंसिल एरिया है। लाइट हाउस समुद्र में बेलरॉक नाम की चट्टान पर खड़ा है, इसलिए इसे बेलरॉक नाम दिया गया है, जिसे इंचकेप भी कहा जाता है। इंचकेप का नाम इनिस संगप को संदर्भित करता है, जिसका मतलब बिहेव आइल होता है। ये एक पुरानी शैली के छत जैसा दिखता है। अगर हम बेलरॉक की तुलना दुनिया के सात अजूबे में से एक अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस से करते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक विशाल टावर नहीं है। अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस दुनिया की पहली लाइट हाउस माना जाता है, जिसकी हाइट लगभग 330 फीट थी। अलेक्जेंड्रिया 14वीं शताब्दी में एक भीषण भूकंप से नष्ट हो गया था। नॉर्थ सी पर खड़ी ये लाइट हाउस की हाइट 115 फीट है और यह 35 मील की दूरी से दिखाई देती है। बेलरॉक के बारे में सबसे रिमार्केबल फैक्ट यही है कि इसे 200 साल पहले बनाया गया था। सन 1807 में इसे बनाने का कार्य शुरू हुआ था। 26 दिसंबर 1803 में रॉयल नेवी का एक जहाज HMS York नॉर्थ सी में रूटीन पेट्रोलिंग के लिए गया था, जो वापस कभी लौटा ही नहीं। इस जहाज पर तैनात सभी कर्मचारियों को फिर कभी देखा गया नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि वो जहाज बेलरॉक के पास डूब गया था, जहां सिर्फ 3 साल बाद लाइट हाउस का निर्माण किया जाने वाला था। 1806 में स्टीवन ब्रदर्स ने इस टावर को बनाने का शुरू किया था। लाइट हाउस का निर्माण एक गंभीर प्रयास था, जिसे सिर्फ 60 वर्करों ने मिलकर बनाया है। आपको इस बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज में 600 वर्कर द्वारा और पेरिस के एलफिल टावर में केवल 250 वर्कर की मेहनत और दिमाग से बनाया गया है। इन दोनों विशाल संरचनाओं को लगभग एक सदी के बाद भी बनाया गया था। सन 1807 में बेलरॉक लाइट हाउस बनाया गया था। तब रोड जैसा कुछ भी नहीं था, तो खदान से पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने के लिए बड़े बड़े ट्रक जैसे कुछ नहीं था। लाइट हाउस 2500 ग्रेनाइट पत्थरों से बना है, जिसे बर्सी नाम के एक घोड़े द्वारा साइट पर लाया गया था। 60 वर्करों के साथ 4 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम करना काफी महंगा था। इसकी कुल लागत 42,000 पाउंड थी, जो कि ओरिजिनल बजट से 40% ज्यादा थी। उस समय के 42,000 पाउंड आज के 2.5 मिलियन पाउंड के बराबर है। बेलरॉक लाइट हाउस के चालू होने के बाद से केवल 2 जहाज ही बर्बाद हुए हैं। फर्स्ट टाइम लाइट हाउस की लाइट को 1 फरवरी 1811 में जला गया था। 1843 में लैंप और रिफ्लेक्टर के प्रतिस्थापन के अलावा लाइट हाउस को हमेशा उसी तरह से संचालित किया गया है जैसे पहली बार जलाया गया था, और इसमें 1988 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई गई थी। जब लाइट हाउस के लैंप और रिफ्लेक्टर को बदला गया, तो उसे कनाडा के बोनाविस्टा में ले जाया गया। बोनाविस्टा लाइट हाउस में म्यूजियम भी है, जहां रखे गए लैंप और रिफ्लेक्टर के साथ साथ दूसरी सभी चीज़ों को भी देख सकते हैं। सन 1802 में एक इंग्लिश कवि रॉबर्ट साउदी द्वारा एक पोयम लिखी गई थी, जिसका नाम था द इनएच रॉक, जिसमें बेलरॉक का नाम कैसे पड़ा इसकी कहानी बताई गई है। यह इतिहास में इंजीनियर के मोस्ट अल्टीमेट कार्यों में से एक है। बेलरॉक लाइट हाउस नाम की एक मैगजीन भी छपी है, जिसमें इसके निर्माण की घटनाओं का वर्णन किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।